हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर प्रवीण गर्ग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. वेलकम यू ऑल ऑन एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल. हम लोग डिफरेंशिएशन की सीरीज में अभी तक 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके थे. लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किया था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करें, ए फंक्शन विच इज़ अ प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शंस. यस गाइज, अगर आपके पास लिखा हो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, या आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर. जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शंस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हों, या बहुत सारे फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई में लिखे हों, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट रूल से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना होता है. अगर आपके पास तीन फंक्शन है, u v w वाला फॉर्मूला लगाना होता है, तो एक का डेरिवेटिव करना होता है, बाकी दो को सेम एज इट इज रखना होता है. बट अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव, एंड ऑल दिस फंक्शन आर इन मल्टीप्लाई स्टेट, तो तब आप क्या करेंगे. तो अगर आप u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू समथिंग प्रोडक्ट रूल से जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, जिससे बोथ साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं. उसके बाद जो हमारा डिफरेंशिएशन करना है वो बहुत ईजी हो जाता है. या फिर क्वेश्चन आपको मिलेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में. किस फॉर्म में मिलेगा आपको, एफ एक्स की पावर जी एक्स वाली फॉर्म मिलेगी. इस फॉर्म में क्या मिलेगा, एक पार्टिकुलर फंक्शन लेट्स अज्यूम एक्स, दूसरे फंक्शन की जो पावर होगी वो साइन एक्स होगी. ऐसा नहीं होगा कि सर साइन एक्स आगे आ गया, एक पावर साइन एक्स की कम होगी. एलजेब्रा वाला रूल नहीं चलेगा गाइज. जब एक फंक्शन एफ एक्स की पावर जी एक्स दूसरा फंक्शन आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा. मैं ई लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स लिख सकता हूँ क्या, स्टार्टिंग में मैं ऐसा लिखूंगा. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा कि ई जी एक्स मेरा आगे आ जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और इसको मैं लिख पाऊंगा लॉग ऑफ एफ एक्स. क्लियर है सबको, इसी मेथड से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यही मैंने लिखा हुआ है. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछा गया है. तो स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए. या आप क्या कर सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई लॉग x की पावर x लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, इसको ई एक्स लोग x लिखेंगे. अब आप डेरिवेटिव कर दीजिए. मन की आंखों से देखो, ये वाला जो x लोग x वाला जो पूरा पार्ट है, आप इसको एक बार जस्ट थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए. अगर ये x लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, हमारे पास e की पावर x ही होता है. इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग गए, तो सेम का सेम आ जाएगा, ई एक्स लोग एक्स आ जाएगा. अब चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स का भी होता है, यहाँ पर वन हो जाता है. यहाँ पर हम लोग करेंगे तो एक्स एज इट इज लोग एक्स का वन बाई एक्स हो गया. सेकंड केस में एक्स का वन हो गया और लोग एक्स हमारे पास एज इट इज आ गया. अगेन मैंने इसको एक्स की पावर एक्स लिखा और ई से लोग कैंसिल, तो एक्स की पावर एक्स हो गया, ये वन आ गया और ये हमारे पास कितना आ गया गाइज, लोग एक्स आ गया. और यही हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. इवन से आप याद भी रखें, x की पावर x का डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है, x की पावर x इंटू वन प्लस लोग x. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x कोस इनवर्स x. सेम क्वेश्चन, आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे e, फिर आप लिखेंगे log x की पावर कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x आपका आगे आ जाएगा. अब सेम का सेम हो जाता है, e कोस इनवर्स x log x आ जाएगा, और ऊपर वाले पर लगेगा प्रोडक्ट रूल. तो कोस इनवर्स एज इट इज लोग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स. सेकेंड केस में लोग एक्स एज इट इज और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर माइनस. ये हमारा फाइनल आंसर है. आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस को पीछे ले गए तो एक्स कोस इनवर्स एक्स हो गया, और ये हमारे पास आ गया कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस log x डिवाइडेड बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर है गाइस सबको, सबको समझ में आ रहा होगा. बढ़ते हैं आगे, y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस टेन एक्स की पावर log x. तो
तो आप इस जब आपने देखा कि दो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट लॉगरिथमिक फंक्शन वाले आपके पास गिवन है, तो आप क्या करें, एक एक फंक्शन को u अज्यूम कर लें, दूसरे फंक्शन को v अज्यूम कर लें, तो u वाले पार्ट का अलग से आंसर निकालें और v वाले पार्ट का अलग से आंसर निकालें और फिर दोनों पार्ट के आंसर को ऐड कर दें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने u वाले पार्ट को सोल्व किया था तो आंसर आया था x की पावर x 1 प्लस log x। सेकेंड वाले v वाले पार्ट का मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो इसको मैं लिख पाऊंगा e log 10 x की पावर log x। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख पाएंगे इसको, e log x हमारे पास आगे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 10 x बन जाएगा। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव सेम का, सबसे पहले सेम आ जाएगा e log x आ जाएगा और ये आ जाएगा log ऑफ 10 x आ जाएगा। अब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो log x का हमारे पास हो जाएगा 1 बाई एक्स और log 10 x एज इट इज, प्लस सेकेंड केस में log x एज इट इज, लोग 10x का करेंगे तो 1 बाई 10x नीचे आ जाएगा और 10x का कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर x हो जाएगा। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको सिंपलीफाई करके इसको आप लिख दीजिएगा 10x की पावर log x और ये हमारे पास बनकर आया है log ऑफ 10x डिवाइडेड बाई x प्लस log x secant square x को बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos square x, इस 10x मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, तो ये cos cube x हो जाएगा। ये मेरे पास v वाला पार्ट आया है, आप दोनों का u प्लस v का एडिशन करके लिख देना, वही फाइनली आपका dy बाई dx है। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर कोट x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, फाइंड द dy बाई dx। अगेन आपके पास दो फंक्शन लिखे हुए हैं, फर्स्ट फंक्शन को आप u अज्यूम कर लीजिए, सेकंड को v, तो मैं u का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। u का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, e log लिखेंगे, x लिखेंगे और cot x क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे आ जाएगा। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या सेम का सेम आ जाएगा, e cot x आएगा और फिर log x आएगा। अब एंगल पर कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosecant square x log x एज इट इज, सेकेंड केस में हमारे पास cot x एज इट इज आ जाएगा और log x का डेरिवेटिव x आ जाएगा। तो ये आपके पास गाइस किसका डेरिवेटिव आ गया, u का डेरिवेटिव आ गया, d ऑफ x आ गया। अब हम लोग v का डेरिवेटिव निकालते हैं, v हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है गाइज। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो कौन से वाले फंडे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फंडे से करेंगे और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो गाइज कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस का साइन आएगा, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3 और नीचे वाले के डेरिवेटिव की बात करें तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको, अब क्या कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर। क्लियर है सबको, इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ से फाइनली आ गया 2x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर। तो गाइज आपके पास v का भी फाइनली आ चुका है, u एंड v दोनों फंक्शन को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको dy by dx की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है सबको, आप नोट कर लीजिए बहुत आराम से, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने जैसा अभी आपको बात की थी कि तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, अगर आपको लिखा हुआ है fx gx into hx, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप fx को एज इट इज रखिए, gx को एज इट इज रखिए,
एच का डेरिवेटिव कर दीजिए। सेकेंड केस में क्या होगा, एफ एक्स को रखिए एज इट इज, जी डैश का डेरिवेटिव कर दीजिए, एच एक्स रखिए एज इट इज। एंड थर्ड केस में क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए, जी एक्स और एच एक्स को रखिए सेम। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, बट आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को y के इक्वल अज्यूम करना है, x प्लस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस फोर की पावर थ्री हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है x प्लस फाइव की पावर फोर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग रिथम ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने दोनों साइड लॉग लिया तो आपके पास क्या बनकर आएगा, लॉग ऑफ y। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लॉग लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगी, पहले मल्टीप्लाई वाला प्लस में आ जाएगा और पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस थ्री, थ्राइस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस फोर, एंड फोर्थ पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस फाइव। इसके डेरिवेटिव की बात करें तो लॉग का डेरिवेटिव होता है x बाई थ्री, यहाँ पर हम लोगों को इसका भी करना पड़ेगा, तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस थ्राइस ऑफ x प्लस फोर आ जाएगा, प्लस फोर अपॉन x प्लस थ्री आ जाएगा गाइज। अब मुझे फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स वाई इधर चला जाएगा, तो y हमारे पास क्या है, x प्लस थ्री का स्क्वायर, x प्लस फोर की पावर थ्री एंड x प्लस फाइव की पावर फोर, एंड हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्री प्लस थ्राइस ऑफ x प्लस फोर प्लस फोर अपॉन x प्लस थ्री। क्लियर है सबको, डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ईजी होता है, और अगर आपका डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा है गाइज तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री एंड x माइनस फोर। सेम क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log 1 बाई टू पावर आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस लॉग ऑफ x माइनस टू प्लस लॉग ऑफ x माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ x माइनस फोर हो जाएगा गाइज। अब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू बाहर, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस x1, इसका डेरिवेटिव x माइनस टू, इसके डेरिवेटिव की बात करें तो x माइनस थ्री, और यहाँ पर डेरिवेटिव की बात करें तो x माइनस फोर। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं dy by dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है y by 2, 1 upon x माइनस वन, 1 upon x माइनस टू, 1 upon x माइनस थ्री एंड 1 upon x माइनस फोर। इसे एक बात और देख सकते हैं गाइज, यहाँ से आपको कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ सकता है, आप x की वैल्यू पुट करना और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंशिएट, यस गाइज, अगर आप यहां पर u अपॉन v के फॉर्मूले से जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी दोनों साइड लॉग लेने से ही क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। कंप्लीट क्वेश्चन को y के इक्वल मान लीजिए, और यह हमारे पास हो जाएगा log y। लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, m अपॉन n की प्रॉपर्टी में ऊपर वाला फंक्शन प्लस में आता है और नीचे वाले फंक्शन माइनस में आते हैं, तो इसकी मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 बाई टू, क्योंकि x की पावर 1 बाई टू है तो लॉग x हो जाएगा, 3 बाई टू आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x प्लस फोर आ जाएगा, माइनस 4 बाई थ्री लॉग ऑफ 4 x माइनस थ्री आएगा गाइज। अब लॉग y का डेरिवेटिव होने वाला है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 3 बाई टू एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस फोर, माइनस 4 बाई थ्री एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 एक्स माइनस थ्री। बट अभी हम लोगों को एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 4 एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइज 4। अब मेरे पास फाइनली dy by dx की वैल्यू आ चुकी है, तो ये आ गई y ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 बाई टू इंटू 1 बाई एक्स बाई फोर माइनस 4 बाई थ्री, सॉरी 16 हो जाएगा अपॉन 4x माइनस थ्री, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एफ एक्स गिवन है, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री अप टू एक्स प्लस एन। हम लोगों को प्रूव करना है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश जीरो वो एन फैक्टोरियल इसके इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आप क्या करेंगे, लोग एफ एक्स लिखेंगे, इसको दोनों साइड लोग आपने लिया है तो ये क्या बन जाएगा, लोग ऑफ एक्स प्लस वन आएगा। अगेन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, लोग ऑफ एक्स प्लस टू, एंड लास्ट वाला पार्ट आपके पास बन जाएगा लोग ऑफ एक्स प्लस एन। डेरिवेटिव किया तो लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स। अब इसकी बात करें तो क्या आएगा, वन अपोन एक्स प्लस वन, वन अपोन एक्स प्लस टू, एंड लास्ट वाले पार्ट की बात करें तो एक्स प्लस एन का आएगा। ठीक है गाइज, अब एफ डैश एक्स हम लोगों को बात करनी है तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स वन अपोन एक्स प्लस वन, वन अपोन एक्स प्लस टू अप टू वन अपोन एक्स प्लस एन के इक्वल आ गया। अब फंक्शन के डेरिवेटिव में जीरो रखना है तो जीरो रख दीजिए एक्स को, फंक्शन में एफ ओफ एक्स में जैसे ही जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो वन इंटू टू इंटू वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, अप टू एन आ जाएगा। ये तो फंक्शन आया है मेरे पास, यहाँ पर कितना आएगा, वन प्लस वन बाई टू आएगा एंड लास्ट में आएगा वन बाई एन। तो इसकी बात करें तो गाइज ये तो एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये वन क्या लिखा हुआ है, वन बाई आर का समेशन लिखा हुआ है रेसिप्रोकल में, और आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक लिखी हुई है, ये वन बाई आर लिखा हुआ है, और ऐसा ही तो मुझे प्रूव करना था, मेरा प्रूव हो गया। तो गाइज करना क्या था, सेम क्वेश्चन था जैसा हम लोग पहले कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू, एक्स प्लस फोर की पावर थ्री, e की पावर x। सेम क्वेश्चन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो ये हमारे पास आ जाएगा log y, टू आईस ऑफ log ऑफ, ऊपर वाली चीज ऊपर प्लस में आएंगी गाइज, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ये log ऑफ x माइनस टू हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है जी, माइनस ऑफ कितना आएगा, थ्री आगे आ जाएगा, log ऑफ x प्लस फोर आ जाएगा, और e की पावर x इसके साथ प्लस में आएगा बट ओवरऑल ब्रैकेट के बाद माइनस होगी तो माइनस में आ जाएगा log ऑफ e की पावर x। क्लियर है सबको, अब बात करें तो वन बाई वाई हो जाएगा इसका डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वन प्लस वन बाई टू, वन अपॉन x माइनस टू हो जाएगा, थ्राइस ऑफ x प्लस फोर हो जाएगा, log इवन बन जाएगा माइनस x हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इज वन हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है y इंटू ट्वाइस ऑफ x प्लस वन प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस फोर माइनस थ्राइस ऑफ x प्लस फोर माइनस वन। एलसीएम लेकर फर्दर सोल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं और आप अगर आप आंसर मैच कराना चाहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई dx इफ x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, फिर मैं करता हूं क्वेश्चन को। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने log लिया, जैसे आपने log बोथ साइड लिया तो हम लोग इसको लिख पाएंगे log ऑफ x की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ y की पावर x। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आगे आ जाएगा और यहाँ पर ये आगे आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x आ जाएगा। सेकेंड केस में y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा और log x एज इट इज आएगा गाइस। सेकेंड केस में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 हो जाएगा, log y आ जाएगा। सेकेंड केस में x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y एंड y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। अब मैं dy बाई dx की टर्म को एक साथ करता हूँ, dy बाई dx की टर्म यहाँ पर है, dy बाई dx मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस y बाई x। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है log ऑफ y माइनस y बाई x डिवाइडेड बाई log x माइनस एक्स वाई, और यही मेरा फाइनल आंसर है गाइज। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सीबीएसई 3-4 बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन पर। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे आपने लॉग बोथ साइड लिया तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा और लॉग ई हो जाएगा। ये ई बेस ई लिया हम लोगों ने, तो ये वाला पार्ट वन हो जाएगा। यहाँ पर आप लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी, क्या लगा दीजिए, या एक सेकेंड रुक जाइए, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आपको प्रूविंग करनी है, तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया। y वाले पार्ट को इधर लेके आए तो मैंने y जैसे ही कॉमन लिया तो कितना आ गया, 1 प्लस log x इज इक्वल टू x। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको आंसर जब मैच कराना हो तो एक बार क्वेश्चन की प्रूविंग का आइडिया ले लो, क्योंकि 1 प्लस log x किस फॉर्मूले से आएगा, u अपॉन v के फॉर्मूले से नीचे वाले का स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन जो है u अपॉन v की फॉर्म आ चुकी है, अब डेरिवेटिव कर दीजिए dy / dx, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर यानी 1 प्लस log x का होल स्क्वेयर, एंड 1 प्लस log x अब आपके पास एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल, 1 से फाइनली 1 कैंसिल, तो डेरिवेटिव के dy / dx की वैल्यू आ गई है log x 1 प्लस log x का होल स्क्वेयर। क्लियर है गाइस, सबको समझ में आ रहा है आप लोगों को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको जब प्रूविंग का क्वेश्चन हो तो आपको कैसे सोचना है, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स वाई एक्स माइनस वाई की मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स माइनस वाई के साथ, और इधर हमारे पास अल्फा या ए दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एक्स माइनस वाई। अब मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, जैसे ही मैंने लॉग लिया तो ई तो वन बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस वाई। ये अगेन मैंने लिखा तो क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस वाई, इसको भी लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग अल्फा इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई मैं लिख सकता हूँ। कहीं ना कहीं सबको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद x माइनस वाई का होल, x माइनस वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस dy / dx, log अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई, बाद में एंगल का भी करेंगे x माइनस वाई का, 1 हो जाएगा माइनस dy / dx हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब आप क्या कर लीजिए, एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई काट दीजिए और एक x माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रहा हूँ जो आ रहा है, हमारे पास आ गया ये x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है जी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है वो लिख रहा हूँ, माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, वाई डी वाई बाय डी एक्स मुझे चाहिए वो, इसको मैं इधर ले आ जाता हूँ, जो कटता हूँ काट देता हूँ, बाकी बचा हुआ लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 2y, और यही मुझे प्रूविंग करनी है, ठीक है गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लॉजिक वही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे आप लॉग बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही आपने लॉग बोथ साइड लिया तो आपके पास ये हो जाएगा पी लॉग एक्स प्लस क्यू लॉग वाई हो जाएगा, और इस वाले पार्ट की बात करें तो p प्लस क्यू आगे आ जाएगा, पावर लिखी हुई है, ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने किया यहाँ पर, तो p log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, क्यू एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, देन y का डेरिवेटिव होगा तो dy / dx आ जाएगा, p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट टर्म, log x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स वाई,
और यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का वन y का हमारे पास कितना हो जाएगा गाइस, dy by dx हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर सबको। मैं dy by dx वाली टर्म एक साइड लेके आता हूँ और बाकी सब टर्म एक तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा q अपॉन y माइनस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस पी अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके जो कटने के बाद आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इधर से मेरे पास चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू एक्स, क्योंकि पी एक्स तो कट ही जाएगा, क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप एक टर्म और देख रहे हैं कि आपके पास क्यू एक्स माइनस पी वाई से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है वाई अपॉन एक्स, और आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था। अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन का लॉजिक वही है, आपको करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन को देखा, आपने दोनों साइड लॉग लेना है, और दोनों साइड लॉग लेके क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को वो आप देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू ई लोग x की पावर x होता है, उस x को मैं आगे ले आता हूँ, पहले स्टार्टिंग में ऐसे लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस x की पावर x को आगे ले आते हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर x इंटू ln x। अब हम लोगों तो क्या सेम का डेरिवेटिव सेम होता है, यानी क्या आ जाएगा ई एक्स की पावर एक्स इंटू लोग एक्स, और यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले x की पावर x का एज इट इज लोग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो जाएगा। सेकंड केस की मैं बात करूँ x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x 1 प्लस ln x, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आज कराया था आपको, और लोग x एज इट इज। तो गाइस ये पीछे चला जाएगा, x की पावर x आ गया, एक पावर कम हो गई, तो x की पावर x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा log of x 1 प्लस log x आ जाएगा इंटू x की पावर x, और यही क्या आपका आंसर है। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है fx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 100 x माइनस n की पावर n इंटू 101 माइनस n, देन फाइंड फंक्शन की 101 डिवाइड बाई फंक्शन के डेरिवेटिव की 101 पर वैल्यू। बोथ साइड जैसे ही मैंने लॉग लिया तो ये हमारे पास बन गया लॉग ऑफ एफ एक्स बन गया, और ये हमारे पास बनकर आ गया लॉग ऑफ पाई 100 n की वैल्यू 1 x माइनस n n की पावर 101 माइनस 1। ठीक है गाइज, लोग जैसे ही मल्टीप्लाई वाले फंक्शन पर लेते हैं तो लोग उसको क्या कन्वर्ट कर देता है, सिग्मा में कन्वर्ट कर देता है। तो सिग्मा हो गया n इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 पावर आगे आ जाएगी n 101 माइनस 1, और ये हमारे पास बन गया log ऑफ x माइनस n। गाइज मैं दोबारा से समझ लीजिए, अगर किसी मल्टीप्लाई सीरीज पर हम लोग log लेते हैं तो उसको समेशन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है सबको, अब मैं क्या कर लेता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, तो लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव की बात करें तो एन 101 माइनस एन आएगा, समेशन चल रहा है हमारे पास एन की वैल्यू 1 से लेकर 100, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको, अब आप क्या कीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, 101 के साथ क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव एट 101 डिवाइड बाय फंक्शन की 101 पर वैल्यू, n इंटू 101 माइनस n,
101 माइनस एन समेशन हमारे पास चल रहा है, इससे ये कैंसिल और एन की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक चल रही है। अब हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 101, फंक्शन की 100 वन पर वैल्यू, समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर 100 और ओनली एन बचा। एन का समेशन अप टू 100 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 किसके इक्वल होता है गाइस, 5050 के इक्वल होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव एट 101 डिवाइड बाई फंक्शन की वैल्यू 101 पर। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे रेसिप्रोकल निकालना, फंक्शन के 101 पर वैल्यू डिवाइड बाई फंक्शन के डेरिवेटिव के 101 पर वैल्यू, तो चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050। क्लियर है सबको? तो दैट्स ऑल अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कल की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।